स्वागत करता हूं दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए आज हम कहां खड़े हैं, चौधरी मोहल्ला के पास में से आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां के व्यू मतलब कह सकते हैं रोड़ों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। कारण है यहां पर कोई काम चल रहा है लेकिन बरसात के कारण बहुत ज्यादा यहां की हालत खराब है। और मैं यहां पर क्यों लाया हूं ये देख लीजिए। बहुत ही एक अच्छी मतलब कह सकते हैं नाश्ता के मामले में अगर आपने इनका समोसा नहीं चखा है तो आपने कुछ भी नहीं चखा है। मतलब कह सकते हैं करीब 5-6 सालों से यहाँ पर मैं इनका नाश्ता कर रहा हूँ और वीडियो बनाने का कारण है बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। ये देख सकते हैं गरम गरम समोसा निकलते हुए। भाई साहब शुभ नाम बताइए अपना। मुकेश ओझा। और कब से ये एक मालपुआ वगैरह बना रहे हैं? तो काफी दिनों से मतलब कह सकते हैं दोस्तों ये देख लीजिए मीठे में नमकीन में आपको ये शॉप मिल जाएगी। ये कैची मतलब कह सकते हैं इस गली में एक कैची की दुकान है, यहाँ पर कैची लगाई जाती है। वही के रास्ते पर ये आपको दुकान मिल जाएगी। आप मतलब कह सकते हैं इनकी चटनी का कोई जवाब नहीं है। बताइए मतलब की शुभ नाम बताइए अपना। और कब से ये होटल का काम कर रहे हैं? 12 साल हो गए। और चटनी का क्या है मतलब चटनी में क्या स्वाद है? काफी देर हम बनाने की कोशिश करते हैं मिलती नहीं है। भगवान की कृपा है हाथों का जादू है। तो मतलब कह सकते हैं वीडियो बनाने का कारण है। एक बार आप यहाँ पर नाश्ता लेने आइएगा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। क्या बना रहे हैं भाई साहब आप? मालपुआ जी सर। देख लीजिए दोस्तों कल्लू बैठी है। दे दो रोटी खा लो। कल्लू रोटी खाता है? रोटी खा लो। हमारी कल्लू रोटी नहीं खाती है। देख लीजिए दोस्तों विद्या जी रोटी खाने बैठ गई है टिंडे की सब्जी से। ये देखिए टिंडे की सब्जी में मजा आ रहा है दोस्तों। मैं तो जीवन में कभी ना खाऊं टिंडे। बहू ने बनाए भैया इसकी। और ये देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है। ये क्या होने वाला है? देख क्या होने वाला है। बिजली चमक रही है दोस्तों। देखो छाती पे देखो 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 पीपल का पेड़ गिरने वाला है। देखो दोस्तों बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत मौसम खराब है। लीजिए दोस्तों बहुत तेज आंधी चल रही है और ये कपड़े वगैरह उड़ रहे हैं। आज मौसम देखिए कितना खुला हुआ है, एकदम आसमान छाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप है बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। आज पानी आने का फूल अनुमान है। देखिए एकदम काले बादल छाए हुए हैं, बहुत तेज पानी आएगा। और ये देखिए विद्या जी आ गई हैं ऊपर। हवा उड़ा रहा है पानी। देखिए दोस्तों बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। देखिए आज पक्का तूफान आएगा।
देख सकते हैं आप है, बहुत ज्यादा हवाएं चलती हुई। कहाँ आई थी? अरे रोज रोज सब्जी चाहिए थी पूरी आखी है बगाओ का, ये पालतू खराब हो जाती इसलिए मैं ले आई। का सब्जी है? हाँ बिन की है, ये काई की है का मालूम टिंडेन की। अरे भैया काय मैं कबाऊ जीवन में ना खाऊं टिंडे। चंपो चंपो क्या हो गया बेटा, हवा चल रही है? नाश्ता कर लिया कि नहीं आज तूने? कर लिया? ये दोस्तों हमारी चंपू है जिसने नाश्ता कर लिया है, अभी नाश्ता दिया है उसको और आज ये लिपट के आई है, इसको नहलाएंगे अभी। और आज देखिए बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और लाइट चली गई है, देखिए देख सकते हैं आप, देख लीजिए बहुत तेज हवा चलती हुई। और विद्या जी आ गई हैं खाना खाने के लिए, ये देखिए ये रोटी आ गई है, टिंडे की सब्जी आ गई है।